आत्मा लोग भी कई बार भगवान ने जो कहा उसका अनुगमन न करके नेताजी का अनुगमन करने लग जाते, ऐसा होता है कि नहीं होता? जगत गुरु जी ने कहा, बहुतों ने कहा कि मुहूर्त की बात है, बहुतों ने कहा कि आधे मंदिर की बात है, वो सब बात ठीक है, लेकिन ऋग्वेदी पूर्वामनाय गोवर्धन मठ सावधान, ये बात अभी जो हम कहने जा रहे हैं, सनातन धर्म के वर्तमान समय में सार्वभौम धर्म गुरु जगत गुरु, वो विद्वत वरिष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठ श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सनातन धर्म के सार्वभौम आचार्य चरण अनंतस्य विभूषित गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश करके मूर्ति का स्पर्श करने का जिनको शास्त्रीय प्रावधान नहीं है, ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी पद में हो, उनको गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और यही शास्त्र की मर्यादा है। इस शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन होगा और मैं क्या बैठकर वहां ताली बजाऊंगा? शंकराचार्य की नहीं ये बात कही। शंकराचार्य का काम है शास्त्र के अनुकूल काम हो, शास्त्र के अनुकूल काम कराना। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है ना, शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ पर जाते हैं, जगत गुरु जी सबसे पहले शंकराचार्य जी जाते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद गजपति महाराज जाकर के वहां पर सेवा करते हैं। शंकराचार्य पहले क्यों जाते हैं? निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। 22 शिष्यों के साथ शंकराचार्य को जाने का अधिकार है वहां, और शंकराचार्य जाकर क्या करेंगे? भगवान की रीति नीति सब विधिवत शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको प्रमाणित शंकराचार्य करते हैं, और जब प्रमाणित करते हैं कि सब कुछ शास्त्र के अनुसार हो रहा है, उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य का काम प्रमाणित करना है, शंकराचार्य का काम शास्त्र के विरुद्ध दो लोग चलने वाले हैं, और शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले कोई राजा महाराजा क्यों ना हो, संत महात्मा क्यों ना हो, शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले लोगों की बात मानना शंकराचार्य का काम नहीं, शास्त्र की बात कहना शंकराचार्य का काम है। शास्त्र योनित्वात् तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र ही प्रमाण है। देव पितृ मनुष्याणाम् वेद चक्षुः सनातनः, जो लोग जिनके पास में शास्त्र की दृष्टि नहीं है वे अंधे हैं, वो बाहर से भले ही कितना बढ़िया देख रहे हो, जिनके पास शास्त्र के नेत्र नहीं है वे अंधे, और ऐसे अंधे लोगों का अनुगमन करने वालों का विनाश होता है। उपनिषद कह रहा है अंधे नेव नियमाना यथांधाः, अंधे के पीछे अंधा चलेगा, एक अंधा खाई में गिरेगा तो उसके पीछे सारे अंधे खाई में गिर जाएंगे, इसलिए शास्त्र ही नेत्र है। वेद चक्षुः सनातनः, वेद ही चक्षु है, शास्त्र ही चक्षु है। अब ध्यान से सुनिए दो चार बातें, पूरे मीडिया तंत्र ने, बिकाऊ मीडिया तंत्र ने और नासमझ मीडिया तंत्र ने, कुछ लोगों ने नासमझी में और कुछ लोगों ने समझ बूझ कर जी के भक्त हैं क्या? राम जी कौन है? वेद धर्म रक्षक सुनुभ्राता, जिस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम का अवतार हुआ, वे भगवान राम, उनके नाम पर ही वेद की मर्यादा को तिलांजलि दिया जा रहा है और सब लोग सर हिला रहे हैं, तो विचार करने की आवश्यकता है कि हम धन के लोभी हैं, हम धन के भक्त हैं, रुपया कौड़ी के भक्त हैं, पद प्रतिष्ठा के भक्त हैं, सम्मान के भक्त हैं, मीडिया में छाने के व्यामोह के भक्त हैं, या राम जी के भक्त हैं, इसका विचार होना चाहिए। आप राम जी के भक्त हुए या किसके भक्त हुए? इसलिए जो भगवान राम के सिद्धांत की रक्षा करेगा वही राम जी का भक्त है, और शास्त्र की रक्षा करने वाला ही वास्तव में राम की रक्षा करने वाला है, राम जन्मभूमि की रक्षा। एक बात कह करके बात विराम करते हैं। नल और दमयंती का आप लोग चरित्र सुनिए, इस बात को बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। दमयंती जंगल में महाराज फंस गई, और जंगल में एक अजगर दमयंती के शरीर को निगलना चाहता था, जंगल में अजगर दमयंती के शरीर को निगलना चाहता था, तो एक बहेलिए ने अजगर को मार करके दमयंती के प्राणों की रक्षा की। अब दमयंती के प्राणों की रक्षा कर ली,
जब दमयंती के प्राणों की रक्षा हो गई तो बाद में वो जो व्याध था उस व्याध ने दमयंती के साथ दुष्कर्म करने का भाव उत्पन्न कर लिया और उसकी कुचेष्टा को देख करके दमयंती ने मन में विचार किया कि अगर अजगर के पेट में चली जाती तब तो अस्तित्व समाप्त होता, शरीर नष्ट हो जाता। शरीर का नष्ट हो जाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शरीर की रक्षा करके ये बहेलिया मेरे शील का अपहरण कर रहा है। तब ध्यान से सुनिए, राम जन्मभूमि के संदर्भ में इस बात को हम कह रहे हैं। मुसलमानों के हाथ में जमीन थी, 500 साल की समस्या वापस आई, इसमें भी किसी का से नहीं है। लाखों नागा मरे, लाखों वैष्णव संत मरे और हजारों राजा महाराजा क्षत्रियों ने कुर्बानी दी। भारत में सभी वर्ण के लोगों ने कुर्बानी दी। शंकराचार्यों ने जिस समय देश में भाजपा कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी का जन्म जब देश में नहीं हुआ था उस समय से शंकराचार्य इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन संत महापुरुषों ने इसके लिए झगड़ा किया और कोर्ट में 100 दिन की बहस चली जिसमें 60 दिन मुसलमानों ने और 40 दिन हिंदुओं ने पक्ष रखा, उस 40 दिन के पक्ष में 24 दिन तक तो केवल शंकराचार्य के वकील ने ही पक्ष रखा। सारी भूमिका संतों की, सारी भूमिका महात्माओं की, उन सबको बैक गियर में डाल करके नेताजी के सर में ताज जा रहा है। इससे हमको कोई सिर दर्द नहीं है, आप खूब ताज पहनिए, लेकिन उसके नाम पर आप शास्त्र की तिलांजलि नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए, दमयंती का वह चरित्र जो मैंने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, अब इसको अयोध्या राम जन्मभूमि में दृष्टांतिक के रूप में घटाना आवश्यक है। दमयंती ने विचार किया, अजगर अगर मुझे निगल लेता तो अजगर से मेरे शरीर का नाश होता, लेकिन ये इज्जत लूटने पर उतारू हो गया। अब अजगर से बचा करके मेरे प्राणों को तो बचा लिया, लेकिन अब मेरे शील का अपहरण करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, सभी हिंदुओं को यह बात जाननी चाहिए। दमयंती ने विचार किया कि शरीर का अधिक महत्व है कि शील का अधिक महत्व है। शील का मतलब लज्जा, शील का मतलब प्रतिष्ठा। शरीर का महत्व है या शील का महत्व है? तब उसने विचार किया कि शील से रहित, शील से च्युत हुए, शील से गिरे हुए शरीर का कोई महत्व नहीं होता। शरीर से अधिक महत्व शील का है। शरीर बचाकर अगर ये शील लूटना चाहता है तो निश्चित रूप से यह अपराधी है। और दमयंती ने अपने सतीत्व का स्मरण करके संकल्प किया और संकल्प से ही महासती थी, पतिपरायणा थी, अपने सतीत्व के प्रभाव से दमयंती ने उस बहेलिया को, उस व्याध को उसी क्षण जला करके भस्म कर दिया, राख कर दिया। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, संतों ने ही राम जन्मभूमि के अस्तित्व की, स्थान की रक्षा की है। कथनचित आप इसका अहंकार कर रहे हैं कि आपने अस्तित्व की रक्षा की, तो कान खोलकर सुनिए, अस्तित्व से ज्यादा महत्व आदर्श का होता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को तोड़कर उनकी स्थापना अगर होगी तो राम जी छोड़ने वाले नहीं है, ध्यान देना। राम जी सेकुलर नहीं है, राम जी शास्त्र की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, वेद की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और राम जी संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए और इन सबके पोषक संत महात्माओं के सिरमौर नारायण समारंभाम व्यास शंकर मध्यमाम, उस शंकराचार्य की, संतों की परंपरा की रक्षा के लिए राम जी अवतार लेते हैं। राम जी से आप बच करके नहीं जा सकते हैं, राम जी किसका पक्ष लेंगे? इसलिए अगर आप शरीर की रक्षा करने में सफल भी हुए और अगर आप शील के द्रोही बन गए तो आपका हाल बहेलिया वाला होगा। अगर आप अस्तित्व को बचाने वाले हैं लेकिन आदर्श को छोड़ रहे हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए, स्वर्णाक्षरों में इसको लिख लीजिए, अस्तित्व का महत्व है लेकिन आदर्श विहीन, आदर्श से रहित अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। आदर्श की रक्षा की बात शंकराचार्य कर रहे हैं, शंकराचार्य को स्थापना करने का व्यामोह नहीं है। दिशाहीन मीडिया दुष्प्रचार न करे, इस पाप का भागी न बने। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा शब्द धर्म का प्रतीक है,
और पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान राम परमात्मा ब्रह्म के अवतार तो हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम केवल ब्रह्म के नहीं राम धर्म के भी अवतार हैं और ब्रह्म धर्म और ब्रह्म दोनों के युग्मा अवतार पूर्णा अवतार परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम हैं। वो वेद की रक्षा करने वाले हैं। राम जी के नाम पर वेद के विरुद्ध चलने का साहस दुस्साहस कोई न करे, भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे। और शंकराचार्य जी ने केवल एक बात कही है कि मर्यादा की सीमा में सब जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, राज्यपाल जाएं, गर्भगृह में प्रवेश और मूर्ति में प्राणों का आह्वान होने के बाद में उसका स्पर्श वे ही लोग करें जो उसमें अधिकृत हैं, बाकी लोग अपनी अध्यक्षता करें। बाहर से बढ़िया घृत का दीपक जला करके, विशाल दीपक जला करके और भगवान राम की महा आरती कर दें। इससे क्या होगा, करिए लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी, लोक मत की रक्षा भी हो जाएगी, साधु मत की शंकराचार्य के मत की रक्षा हो जाएगी। शंकराचार्य का अपना अलग से कोई मत नहीं है, राज मत आपके मनोभाव की रक्षा भी हो जाएगी। और नृप नय निगम निचोरी, निगम का जो सिद्धांत शंकराचार्य, इससे क्या होगा, करिए लोक मत साधु मत नृप नय निगम निचोरी, लोक मत की रक्षा भी हो जाएगी, साधु मत की शंकराचार्य के मत की रक्षा हो जाएगी। शंकराचार्य का अपना अलग से कोई मत नहीं है, राज मत आपके मनोभाव की रक्षा भी हो जाएगी। और नृप नय निगम निचोरी, निगम का जो सिद्धांत शंकराचार्य ने कहा, वेदादि शास्त्रों ने कहा, उस स्पर्श के वैदिक सिद्धांत की रक्षा भी हो जाएगी। ये जो हमने बात कही ये सबके कल्याण के लिए है, सबका भला हो, कोई हमारा शत्रु नहीं है। शंकराचार्य न भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, न किसी पार्टी के हैं। शंकराचार्य की एकमात्र पार्टी है, उसका नाम है राम राज्य धर्म राज्य, उसी के स्थापक शंकराचार्य हैं। बाकी जो चूहे बिल्ली हैं वो उछल कूद मचाते रहते हैं, उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। 2 अरब वर्षों की ये परंपरा है, 1,97,29,49,000 125 वर्ष की यह परंपरा हो गई है, इसको कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता। और जो लोग ज्यादा से ज्यादा निंदा कर रहे हैं, बिना समझे बूझे मीडिया के द्वारा बहकाए गए जो लोग हैं वो निंदा कर रहे हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वे गोवर्धन मठ पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य का इतिहास उज्ज्वल कर रहे हैं। धूर्त लोगों ने, नकली इतिहास लिखने वाले लोगों ने मुगल काल में शंकराचार्यों की अध्यक्षता में जब देश में तुर्कियों ने, फिरकियों ने, मुसलमानों ने, यवनों ने, म्लेच्छों ने, क्रिश्चियनों ने और मूर्ति भंजकों ने जब जब इस देश पर सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया, उस समय इस देश के शंकराचार्य, इस देश के वैष्णवाचार्य, इस देश के नागा, इस देश के महंत, इस देश के मंडलेश्वर, इस देश के साधुओं ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, धूर्त इतिहास लिखने वाले लोगों ने और CBSE की NCERT की पुस्तक में हिस्ट्री की पुस्तक लिखने वाले लोगों ने साधुओं का, शंकराचार्यों का पूरा इतिहास चाट लिया, सारा इतिहास गोल कर दिया, गायब कर दिया। कहीं नहीं लिखा, राम जन्मभूमि में ही केवल लाखों नागा मरे हैं। और दूर मत जाइए, जगन्नाथपुरी में भगवान का नागार्जुन भेष होता, वो नागार्जुन भेष क्या है, मुगल काल में जब नागा सैनिकों ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रक्षा की, दारू चतुर्धा दारू विग्रह की रचना की, उसके स्मरण में उसी तिथि में भगवान का नागार्जुन भेष होता है। ये भारत का, ये पुरी का, ये द्वारिका का, ये काशी का, ये मथुरा का, ये अयोध्या का, ये हमारे 40,000 ध्वस्त हुए मंदिरों का स्वर्णिम इतिहास है, जहां हमारे संत खड़े हुए, लोहा लिया, वो सब चाट गए ये लोग। और आज भी वही होता, मैं धन्यवाद दे रहा हूं दिशाहीन मीडिया तंत्र को और नकली लोगों के IT सेल को, जो बार बार पुरी के शंकराचार्य जी को राम जन्मभूमि स्थापना का विरोधी सिद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना ज्यादा विरोध करेंगे उतना अधिक आप इस बात को गड़ा गड़ा करके पत्थरों में लिख रहे हैं, आप अंकित कर रहे हैं भविष्य की पीढ़ियों के लिए, उनको याद रहेगा कि जिस समय शास्त्र के विरुद्ध कोई शासक चल रहा था, दक्षिणा के लोभी संत महात्मा जो बहुत से उनके चिट्टे बिट्टे बन करके उनकी जय जयकार करने लग गए, सोई रावण कह भई सहाई,
स्तुति करही सुनाई सुनाई। ऐसे जो लोग हो गए उन चाटुकारों के चाटुकारी करने पर भी, शासक का धर्म विरुद्ध आचरण करने पर भी, उस समय पुरी के शंकराचार्य जी ने शास्त्र की बात बिना डरे मुखर होकर के सिंह के समान गर्जना की। ये बात लोगों को याद रहेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं वो शंकराचार्य जी के इतिहास को गाढ़े अक्षरों में लिख रहे हैं और वो पीढ़ियां इनके विरोध के कारण याद करेगी 500,000 साल बाद भी कि उस समय ऐसे कोई शंकराचार्य हुए थे जो उस समय एक तरफ सब लोग हो गए शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले, उस समय भी उन्होंने शास्त्र की रक्षा का मार्ग अपनाया, अपने प्राणों को हथेली पर लेकर। पुरी के शंकराचार्य का इतिहास उज्जवल होगा, उज्जवल है और उज्जवल रहेगा। और मैं भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूँ, यहाँ प्रतिष्ठित होने वाले भगवान रामलला से और सर्वव्यापक परमात्मा भगवान राम से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे शासकों को सद्बुद्धि दें कि जहाँ तक उनकी सीमा है वहीं तक आगे बढ़ें, अपनी बाउंड्री का अतिक्रमण करके जब कोई नहाने लग जाता है नदी में तो डूबने की संभावना होती है ना, इसीलिए हम उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे शासकों को ऐसी सद्बुद्धि दें कि वे स्वयं भी डूबने से बच जाएं और दिशाहीन मीडिया के माध्यम से जो लोगों को बहका रखा है वो बहकी हुई जनता भी, राजा अगर कोई प्रमाद करता है तो उसका दुष्परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता, इसीलिए उस प्रमाद से जो क्लेश उत्पन्न हो सकता है, भगवान राम का स्थान हमको मिला इस बात की अत्यंत प्रशंसा है, भगवान का मंदिर बना इस बात की अत्यंत प्रशंसा है, जिन लोगों ने बनाया उन सबकी खूब 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 प्रशंसा है, लेकिन भैया आप कितना भी बढ़िया काम करें, गुण सागर नागर नरजोई अलप लोभ भल कहीं न कोई, आप कितना बढ़िया भी गुणों का समुद्र हो अगर थोड़ा भी लोभ आ गया तो वो थोड़ा लोभ आपके सारे गुण पर पानी फेर देगा। जो अमृत का घड़ा होता है ना, उस अमृत के घड़े में एक बूंद भी अगर विष आ जाए तो अमृत अपना स्वाभिमान रखता है, अमृत के घड़े में एक बूंद अपना अमृतत्व छोड़ देता है, पूरा विष बन जाता है। इसलिए अभी तक जो काम अमृत के समान हुआ उसमें मूर्ति प्रतिष्ठा में स्पर्श की मर्यादा शंकराचार्य ने, मैं फिर कह रहा हूँ, पुरी के शंकराचार्य ने जो कहा वो मूर्ति के स्पर्श की, गर्भगृह में प्रवेश की बात, उसमें शासक मनमानी न करे, शास्त्र के विरुद्ध चलने पर शंकराचार्य क्या करेंगे, अगर ये देखना ही आप चाहते हैं तो ताल ठोक कर जो करना है सो कर लीजिए, उसके बाद देखिए प्रमाण क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है। नमः पार्वती पतये हर हर।